मित्रों ये मुरादाबाद में है जमाइला जमाइला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम इस्मान कुरैशी, वेलकम टू और चलो। तो यार मैं आज हंस रहा हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे भी ये टाइटल देख के थोड़ा भाई फनी ब्लोपर्स है ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, और बात करते हैं गोदी मीडिया की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गोदी मीडिया का नाम तो है नहीं, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि उसमें गोदी मीडिया ही इनको हाईलाइट कर रहा है। तो आज देखते हैं भाई फनी ब्लॉगर्स क्या बन रहे हैं इंडिया पॉलिटिशियंस के। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ नेम है हमारे सामने, मैं सोच रहा हूँ कि उनका अगर नेम ले लिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे भाई हमारा नेम जो है वो ले लीजिए। तो इसको नेम लेने के लिए हमें काम करते हैं कि पहले नेम ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत काफ़ी देर से वो कह रहे थे प्लीज़ हमारा नेम ले, और हम लोग आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पर एक मैसेज आया है, मैं औरंगाबाद से हूँ, सलमान शेख साहब हैं, ठीक है, और औरंगाबाद से हूँ तो प्लीज़ मेरा नेम लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए यार, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। शुएब अहमद साहब है, मैं शुएब अख्तर पढ़ने वाला था। नहीं, रावलपिंडी एक्सप्रेस है ना। शुएब अख्तर साहब कह रहे थे भाई इंडिया के हालात भी ऐसे ही हैं, दुआ कीजिए इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा स्क्रॉल इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे समीम अली साहब हैं, रहीम है अल्लाह और आप बेहतर होंगे। बल्कि एक कमेंट आया था किसी भाई का, कह रहे थे जी जब तक हम आपकी वीडियो नहीं देखते हमें नींद ही नहीं आती भाई। जी ये आ गया है। इनका एक और कमेंट पढ़ लेते हैं, यार कमेंट्स बहुत सारे हैं, किस किस का स्टार्ट करूं? अगर किसी का नहीं पढ़ूंगा तो वो उदास हो जाएगा, जिसका पढ़ूंगा वो ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो यार मैं सबके कमेंट्स पढ़ देता हूँ, ठीक है। मोहम्मद नवीद साहब हैं, वो कह रहे हैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच, थैंक्स आपका भी। शेख मोहम्मद आरिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मैं डक्कन से हूँ और उर्दू मतलब बिरयानी बहुत फेवरेट है यहाँ की। डक्कन मतलब वहाँ पर उर्दू बिरयानी जी, पिकानी क्या यार ये क्या है? डकन उन्हें लिखना होगा ना, मतलब हैदराबाद डकन बोलते हैं ना उसको। अच्छा। तो उन्होंने शायद स्पेलिंग उनसे गलत हो गए होंगे, और यह लिखा हुआ है उर्दू बोली जाती है और बिरयानी मेरी मोस्ट फेवरेट है। बिरयानी भाई हमारी भी बहुत मोस्ट फेवरेट है। हैदराबाद की तो कोई बात, क्या बात है जी। बाबर आजम, चाय की बात है ना, मतलब मोहम्मद रजा खान की बात करें, वो कह रहे हैं अमीम पार्टी जिंदाबाद, मेरा नाम ले लीजिए मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा साहब आपका नाम ले लिया है भाई, हमारा भी नाम ले लीजिए। अबू बकर हैं, अबू बकर साहब हैं, उनका नाम भी ले लिया। मुस्तफ़ा हुसैन साहब कह रहे हैं जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, फुल वीडियो पर रिएक्ट लाजमी करें। हाँ वो एक वीडियो थी उस पर हमने फुल रिएक्ट नहीं किया था, तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो भाई नाम इंशाल्लाह बाद में पढ़ते रहेंगे, तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों भी टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा हंस लें जी, हंसना तो पड़ेगा। 3, 2, 1 पे ले। मित्रों ये मुरादाबाद में है, मुरादाबाद में सुपारी निकाल के बात करें बाबा। भाषण देता है, लेकिन उनमें से कुछ स्पीचेस में ब्लूपर्स यानी कि गलतियां होती रहती हैं। कुछ पॉलिटिशियंस भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, बोलता जाते हैं भाषण देते वक्त। इस वीडियो में आपको मोदी, राहुल, केजरीवाल, अमित शाह और संबित पात्रा के ब्लूपर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। संबित पात्रा वीडियो में तो सभी पॉलिटिशियंस को कवर नहीं कर सकते। बात तो सही है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान आलिया भट्ट भतीजा कल्याण करने वाली सरकार, मोदी जी 24 घंटे सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण है। मैंने आपको 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ रही थी, ha 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 ha
बोले माँ सर में पहन लिया था शाबाश यार खुदा का वास्ता असदुद्दीन साहब को पीएम बना दो भाई उनके पास एजुकेशन तो है इंग्लिश तो आती उनको मेरे खमीर को पहुंच पहुंच रहा है मेरे खमीर को पहुंच पहुंच रहा है माफ करना जमीर को खमीर खमीर मोदी जी ने जो राहत भी दी है वो ही कहना चाहता हूं 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ 53 करोड़ रुपए मोदी जी ने सीधा विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर से हमारे मतलब बाप को मासिक चल नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल हूँ अंदर आ सकता हूँ आइए देखते हैं मजा आया जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया तो श्री कृष्ण जी सोए हुए थे यही नहीं उनसे मदद मांगने के लिए दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों पहुँचे बैठे अभी तो क्या बोल रहा है 24 घंटे का दिन होता है 24 में से 30 घंटे का जब कृष्ण सोए हुए थे तो उनकी मदद के लिए दुर्योधन और कृष्ण दोनों पहुँचे जो बंदा सोया हुआ था उसके लिए वो बंदा दौड़ सरकारी स्कूल में सारा इलाज होता है तुमने क्या मिक्स किया है बता तो क्या पी के आया है दिल्ली को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहते हैं हम लोग दिल्ली का दुनिया का नंबर वन देश को आजाद हुए 70 साल हो गए 75 साल हो गए और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन बहुत वायरल था प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी ऋषि कपूर की तरह लगता है ना जॉब्स इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टीव जॉब्स इन द माइक्रोसॉफ्ट स्टीव जॉब्स इन द माइक्रोसॉफ्ट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट आर यू कॉमेडी मी संदीप जी जवाब देंगे राहुल संदीप पात्रा कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है सुप्रीम कोर्ट का वाक्य भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार
2003 से काम करता ऐसे तो 2080 से काम क्या बोला तूने थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख 46 लाख कहाँ से आते हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा वाकई यार कहाँ से आते हैं लोग? भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अनुरोध मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यार क्या बोल रहे यार ये महान भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ इन पेड अपॉर्चुनिटीज विद ए नेशन दैट यू कैन ट्रस्ट ही राइज In Gobar integration, Gobar integration. Gandhi ki chhavi karenge. Mohanlal Karamchand Gandhi hain. Mohanlal Karamchand Gandhi hain. Ekdam inhone waqt badal diya, jazbaat badal diye, zindagi badal di. Urja kranti kar rahi hai Hindustan mein. Aur isliye nuclear energy, solar energy, wind energy. Wind energy, wind energy, wind energy. Ganja. वो कह रहा गांजा भी है ओ गांजा गांजा हदे यार चुप हो जा सातवीं फिर तो उसका आधा 5 साल के अंदर हमने चंप लगाया है और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जा 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है देश इस दिशा में आगे जा रहा है अच्छा बिल्कुल ही अनपढ़ हो जाहिल हो गवार हो चलिए दोस्तों आज का वीडियो ही पता है क्या होता है मैं आपको बताऊं मैं आपको बहुत बज़े की बात बता रहा हूँ ये जो ट्रंक ट्विस्ट होती है ना इनकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं मतलब पाकिस्तान में इंडिया में जिधर भी कहीं कहीं जहाँ भी जिनकी हो रही ना समझ लो भाई वो एक ड्रामा है वो मतलब बोल वो रहे हैं जो उन्होंने करना नहीं है क्योंकि झूठ जो होता है ना हमारे स्कूल में बताते थे टीचर्स के झूठ के पाँव नहीं होते हैं मतलब जितना मर्जी झूठ बोला जाए ना वो भागता रहता तो इसलिए ये भी झूठ बोला जा रहा है इसके भी पाँव नहीं है कहाँ तक तो रुकेगा भाग रहा है मतलब ब्रेक नहीं है यार मतलब पाँव तो है ब्रेक नहीं है बिल्कुल अब आप देखें ना कितना एक फनी ब्लूपर्स हुआ है भाई इंडिया पॉलिटिशियन के ऊपर क्या क्या बोला जा रहा है मतलब ना उनको समझ आ रहा है और देखें दूसरी बात असदुद्दीन साहब की एक बड़े मज़े की बात लगती है वो कहते हैं भाई जो गोदी मीडिया देख रहा है जो चीज़ को हाईलाइट कर रहा है वो इस बात पर एक अमल दरामद ही नहीं कर रहा मतलब सोच ही नहीं कि ये बंदा बोल क्या रहा है वो भी इंजॉय कर रहा है वाह 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 दैट्स अ ग्रेट वेरी गुड मतलब वो ये बोल रहा है क्लैप कर रहा है और उनको एक अप्रिशिएट कर रहा है कि भाई तुम वाकई सही बोल रहे हो बोल क्या रहा है यार और यार फर्स्ट वाला सीन बहुत मजे का लगा है जो कह रहा है मुंह से सिपाही निकाल के बात कर रहा है वो उस बिल्कुल बिल्कुल उसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है बिल्कुल वो सही कह रहा है वो जिस तरह बोला ना औरंगाबाद बात जिस तरह उसने बोला और साथ साथ बात करे यार इस तरह के कमेंट्स मतलब मोदी साहब कह रहे थे ये बेचिए उनको उनको खिलाओ घुर उठाओ यार ये क्या बोल रहा है राहुल गांधी साहब क्या बोल रहे बहुत मजे की उनकी बातें होती थी मुझे इनकी एक बात बड़े मजे की लगी वो कहते हैं यार आपको सर्दी लग रही है इसका मतलब आपने स्वेटर पहना हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्दी लग रही है इसका मतलब ये है कि आप सर्दी से डरते हैं लो जी। और मैं आप इधर बैठा हूँ राहुल गांधी नहीं हूँ उसको मार दिया मैंने तो असदुद्दीन साहब ने बड़ी मजे की बात की उन्होंने कहा भाई तू कौन है जिन नए मोहल्ल तो कौन बैठा हुआ है सर बहुत मजे की थी वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो पसंद लाइक करें शेयर करें कुछ करें कमेंट सेक्शन लाजमी कर दिया क्योंकि मैं तो इतना हंसूं कि मुझे कफ होना शुरू हो गई थी यार मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था भाई
मतलब लाइफ में कभी भी नहीं हंसा। यकीन करो कि अगर इधर कोई बेहोश हुआ हुआ इंसान या कोमे वाला इंसान भी होता ना, तो वो भी उड़ के हंस हंस के उड़ जाता यार, इतना एक फन हुआ यार। हाँ, ये तो है, ऐसा है। और अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा हंसे हमारी वीडियो के साथ तो कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आज बहुत हंसा यार। कमेंट डाउन कर दीजिए प्लीज, और हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, दोनों का दीजिए जस्ट।